गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज ऐसे ही व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज वैसे बिजी था, तो जिसके वजह से मतलब आज का व्लॉग ऐसे ही नहीं बना पाए। तो जैसा भी है, अभी क्या है, एक दो दिन बाद मेरा व्लॉग आ सकता है, वैसे कोई इशू नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगा ड्रॉप करने का व्लॉग, मतलब टाइम टू टाइम जैसा कर रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करूँगा। बाकी मेरे ख्याल से थोड़ा कभी कभी लेट हो सकता है एक दो दिन, मतलब कभी क्या होता है ना कि ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो जिसके वजह से ब्लॉगन पूरा बिखरा हुआ है इधर उधर, आप देख सकते हो। ये देखो मेरा सामान, दो बैग्स इधर रखा हुआ है, ठीक है, दो बैग्स इधर रखा है और ये कुछ सामान इधर है। ऐसे जब दिल्ली जब क्रॉस कर रहे थे उधर, तो बाय ऑटो में आ रहा था, तो वही वाला ब्लॉग जो है वो अभी मैंने शूट करके रखा हूँ, हो गया और उसको अपलोड पे भी लगा के वो कंप्लीट हो चुका है। और एक्चुअली इसलिए पोस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज शाम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 7:30 बज गया होगा। तो गाइस अभी जस्ट बाहर आया, तो देखो पूरा अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। अभी क्या है, अभी सर्दी का मौसम है, रात तो बढ़ और सुबह 5:30-6 बजे तक इतना ही ऐसे ही अंधेरा रहता है, क्योंकि आज मैं गया तो इससे ही अंधेरा हो गया था। तो काफ़ी मतलब मौसम धीरे धीरे यहाँ पर चेंज हो रहा है, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है अभी धीरे धीरे, और तो जिसके वजह से मतलब काफ़ी सारे चेंजेस हो जाता है यहाँ पे। सर्दी भी बहुत बुरी तरह सर्दी पड़ता है एकदम, लगभग बहुत सर्दी, दिन भर कोहरा रहता है और मतलब हालत ख़राब हो जाता है। यहाँ पे जो ठंडी है, आपको ऐसा फीलिंग देगा कि अभी जो ठंडी है ना, हड्डी में जाके लगता है ऐसा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेत वाला ठंडी है। तो जिसके वजह से मतलब मैंने जो गाना गाया था ना पिछला, जो आँख उठी मोहब्बत में, वो वाला जो गिटार के साथ गाना गाया था, वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा और मेरे को पर्सनली मैसेज भी किया, यार बहुत अच्छा लगा। तो गाना सर का जो एक गाना है, अभी जस्ट टी सीरीज में लॉन्च हुआ, वो गाना कौन सी, वो रिमझिम वाला जो गाना है, रिमझिम करके जस्ट अभी शायद वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो वाला गाना, और वो गाना मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ना, बहुत मस्त आया। और बैठे बैठे करके एक और गाना है उसका, उसका जो सिंगर है उसका नाम नहीं पता, बट उसका जो लिरिक्स है मेरे को अच्छा लगा, इसे वो अच्छा लगा, आफरी आफरी तेरी आंखें लगे मरहवा ऐसा कुछ है। तो अभी उसको करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार सुन सुन के उसको लिरिक्स को याद करेंगे देन। और जो गिटार अभी साथ में लाया नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मैं जब जाऊंगा फिर, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा बिजी, मतलब क्या हुआ, इस टाइम कैरी करने में तो दिक्कत हो रहा था, दो तीन बैग था मेरे पास। तो 22 बार जब जाएंगे घर, नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे उसको बाय रोड, मतलब उसको जब घर जाएंगे नेक्स्ट टाइम, तो उसको क्या है पार्सल कर देंगे, गिटार को पार्सल कर देंगे इसी नंबर पे, मतलब ये मेरा जो एड्रेस है इसी पिन कोड इसी एड्रेस पे उसको पार्सल कर देंगे, तो आ जाएगा। मतलब कैरिंग में दिक्कत होता है, और प्लेन में क्या है ना, ले जाओगे, लेके जब आओगे जाओगे तो इसका बहुत 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 मतलब कॉस्ट लगता है, इसका जो कैरिंग कॉस्ट है इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी लगता है, लगभग आपको 2500-3000 तक या उसके ऊपर उसके नीचे ऐसे कुछ, मतलब 2000 तक टच हो जाएगा आपको कैरिंग कॉस्ट जो है। तो भाई यार, तो लाना बहुत आसान है लेकिन उसका कैरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसके वजह से मैं उसको नहीं लाऊंगा, ठीक है। तो और बाय ट्रेन वो भी लाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, 2-3 बैग होता है और पीछे ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा लाने में तो लेके आ जाता है, कोई भी वैसे कोई इशू नहीं है, बट बाई कुरियर, बाय रोड बाय कुरियर वो भी मतलब सही रहता है, उसको पैकिंग करवा के उसको भेज दो तो आपके पास आ जाएगा, देन बस अनबॉक्सिंग करो और यूज़ करो आपका जो भी है। एक्चुअली मैं इसके पहले एक यूकुलेले भी लिया था, वो 4-स्ट्रिंग का होता है यूकुलेले, वो भी यूकुलेले जो मैंने लिया था एक 4-स्ट्रिंग का, वो भी मैंने ऑनलाइन से लिया था फ्लिपकार्ट से, और ये जो गिटार लिया ये तो मैंने मार्केट से लिया, और जो यूकुलेले था वो मैंने लगभग 27-28 ऐसे ही कुछ लिया था, कैदेंस करके कंपनी है उसी कंपनी का, और उसको मैंने बेच दिया क्योंकि मैं वो यहाँ पे लिया था, और उसको बजाने में थोड़ा सा अलग लगता है, उसको काफ़ी इंट्रो क्या है ना, उसको इंट्रो जब तक नहीं बजाओगे उसके अंदर जो हो पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या है मैं उसको बेच दिया एक बंदे को, कमरे क्लासों में बेच दिया। और मैंने गिटार तो मेरे पास पहले से था, गिटार बजाने में थोड़ा अच्छा लगता है और उसका साउंड जो है मेलोडी बहुत, मतलब ट्यून बहुत अच्छा है और मतलब सुनने लायक है। यूकुलेले में क्या है, आपको इंट्रो एकदम मतलब शुरू से लास्ट तक आपका अगर पता हो तो तभी आपका स्ट्रमिंग और इंट्रो में अच्छा लगता है, बाकी क्या है, बाकी गिटार में आप कैसे भी बजा लोगे। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।